हेलो एवरीवन, आज बनाए हैं मैंने ये मावे का रोल। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत इजी है रेसिपी, एकदम से फटाफट से बन जाएंगे। तो चलिए फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें लगभग 250 ग्राम ये मावा ले लिया था, और जो ये मावा है ये मैंने घर पर बनाया था, तो फ्रिज में रखे ना थोड़ा सा हार्ड सा हो गया था। तो सबसे पहले मावे को कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से हम इसको गर्म होने देंगे। जब थोड़ा सा मावा थोड़ा सा पिघल सा जाए ना, नॉर्मल सा हो जाए, तब इसमें हम एक कटोरी, मतलब ये छोटी वाली कटोरी थी तो 2-3 चम्मच के आसपास ये चीनी होगी, इसमें हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इन दोनों चीज़ों को जब पूरी तरीके से देखिए सॉफ्ट होने लगे हैं, क्योंकि जो चीनी है वो गर्म होने पर अच्छे से मेल्ट हो पा रही है, तो हम इसको चलाते रहेंगे और देखिए इस पोजीशन तक हम इसको ले आएंगे। और बस इसको हम अच्छे से गर्म करते रहेंगे कंटिन्यूसली। फिर इसमें हम ये छोटे वाली जो कटोरी जिससे चीनी डाली थी वही भर के मैंने इसमें एक कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल दिया था, और इसको हम चलाते रहेंगे लो फ्लेम पे एकदम, ताकि ये हमारा जले नहीं। और इजीली देखो मिल पा रहा है इसमें, और जो कढ़ाई है वो छोड़ने लगा है। थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था इसमें, लगभग आधा कटोरी के आसपास, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको चलाते रहेंगे। छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे लग सकता है और थोड़ा सा ना इसमें स्मेल सी आ जाएगी, इसके लिए हम इसको कंटिन्यूसली चलाते ही रहेंगे। अब बस ये हमारा जो मिक्सर है मावे का वो बनकर तैयार हो गया है, कढ़ाई छोड़ रहा है, देखो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कढ़ाई में। इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसको करेंगे हम प्लेट में ट्रांसफ़र। नॉर्मल सा हो गया था यहाँ पे मावा ये, और बस अब हम इसके जितना भी ये मिक्सर था ना, इसका हम 2 पार्ट कर लेंगे, आधा आधा, मतलब ऐसे देखो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे डिवाइड कर लेंगे हम। एक पोर्शन अलग निकाल लेंगे और एक पोर्शन अलग निकाल लेंगे हम, क्योंकि हम इसको 2 कलर का बनाएंगे ना, एक में तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो ये वाला एक वाला पार्ट बचा हुआ था, इसमें थोड़ा सा ये फूड कलर है ऑरेंज वाला, इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बस हम इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे। देखिए बिल्कुल अब सॉफ्ट हो गया है, ठंडा होने पर भी हार्ड नहीं हुआ। और अब थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर खुशबू के लिए, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इससे। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब अलग अलग पार्ट में क्या ही इलायची का पाउडर मिक्स करते, तो मैंने एक ही पार्ट में मिक्स कर लिया, टेस्ट वही आएगा। अब हम दोनों में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे और कोई भी शेप दे देंगे। देखो मैंने ऐसी वाली शेप दी है, और बस सारी की सारी मिठाई हम ऐसे ही करके बना लेंगे। ये वाली देखो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और ऐसे शेप दे देंगे। उसके बाद जब ये शेप बन जाए तो हम ऐसे इसमें ऊपर से ये डेसिकेटेड कोकोनट में इसका थोड़ा सा हल्का सा कोट कर देंगे, ताकि और अच्छी लगे और सुंदर लगे देखने में। तो दूसरी वाली मिठाई भी मैंने ऐसी बना ली थी, और बाकी जो जितना भी मटेरियल बचा हुआ था बाकी का भी सारा ही हम ऐसे शेप दे देंगे। और जो डेसिकेटेड कोकोनट था उसमें हम इसको कोट कर लेंगे। और देखिए बस कितनी जल्दी हमारी मिठाई बनकर हो गई है तैयार, ना ज़्यादा टाइम लगा है। और घर पर रखे हुई चीज़ों से ही हम ये वाली मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। इजी है बनाना, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और कैसी लगी है मिठाई की रेसिपी प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।